Welcome again in this video class. I am today starting new topic, calculation of interest on drawings in the same chapter, accounting for partnership firm. इस पर मेरा ऑलरेडी 5 वीडियो क्लास में ले चुका हूं और ये 6th वीडियो है मेरा, 6th क्लास है इस चैप्टर के लिए. और आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. फॉर दिस ईयर वी शुड नो देयर आर 3 कंडीशंस. फर्स्ट वन, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन. सेकेंड कंडीशन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड द डेट ऑफ इंटरवल्स, यानी जो अमाउंट हम लोग ड्राइंग करेंगे और जो डेट ऑफ इंटरवल्स होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी सेम अमाउंट हर बार ड्राइंग होगा और एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद, जैसे ईच मंथ इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द मंथ. इसी तरह या तो क्वार्टर हो सकता है, यानी हर 3 महीने पे, या फिर हर 6 महीने पे. अगर ऐसा होता है, यानी ड्राइंग्स को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ हर बार और एक निश्चित इंटरवल्स के बाद ड्राइंग करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे फाइंड करेंगे. और तीसरा होगा, जहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जिसका एक जैसा नहीं होगा, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और इंटरवल्स भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी मे बी हम लोग ड्राइंग्स अलग अलग अमाउंट हर बार करेंगे, यानी कोई पार्टनरशिप फॉर्म से ड्राइंग करता है और हर बार अलग अमाउंट ड्राइंग करता है. या फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं, जो डेट ऑफ विथड्रॉवल होगा उसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, वहाँ कभी 2 महीने पर, कभी 1 महीने पर, कभी 3 महीने के बाद, कभी बिगनिंग में, कभी किसी मंथ के मिडिल में, किसी मंथ के एंड में. अगर ऐसा ड्राइंग्स होता है तो ये तीसरा कंडीशन होगा. यानी ये तीनों कंडीशन पर, पहला कंडीशन डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा कंडीशन अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट और एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद ड्राइंग होगा, यानी अमाउंट और इंटरवल्स यूनिफॉर्म होगा, तो कैसे हम लोग ड्राइंग्स फाइंड करेंगे. और अगर अमाउंट और इंटरवल्स दोनों यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा अमाउंट हर बार एक सेम अमाउंट नहीं निकालेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम या डेट भी उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, यानी कभी भी निकालेंगे, जैसे हर मंथ, हर क्वार्टर में, ऐसा नहीं निकालेंगे. तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं. हम लोग तीनों सीखते हैं, तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए सीखते हैं वन बाय वन. तो पहला हमारा है चैप्टर, वही है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. दिस इज द टॉपिक. फर्स्ट वन, व्हेन द ड्राइंग्स एंड इंटरवल्स आर यूनिफॉर्म. पहला हम लोग सीखते हैं कि अगर ड्राइंग्स का अमाउंट और उसमें जो इंटरवल्स होगा, समय का गैप होगा, वो एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. तो पहला हम लोग यहां पर देखते हैं मंथली ड्राइंग्स. अगर हर महीना ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर अपने फर्म से पर्सनल यूज के लिए, तब हम लोग ड्राइंग्स कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे. तो पहला हमने इसमें लिया है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कोई पार्टनर अगर महीने के 1 तारीख को, हर महीने के 1 तारीख को, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5 बाय 12. अब
यहां पर टोटल ड्रॉइंग्स हो गया। जैसे अगर एक महीने में 5000 निकालता है तो पूरे साल में 60,000 होगा, 12 × 5 = 60, यानी 60,000 होगा। रेट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा एज पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेट बाय 100 करेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला होगा, यानी जब इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग्स होगा तो 6.5 लेना होगा। हाँ, यहां पर ये बात हम लोग जरूर दिमाग में रखेंगे कि 6.5 तभी लेंगे जब ड्रॉइंग्स पूरा साल हुआ है। अगर कोई पार्टनर 9 मंथ ही या 8 मंथ ही या 6 मंथ ही ड्रॉइंग करता है तो यहां पर वहां उस कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा और कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो फिलहाल हम लोग जब पूरा साल लेते हैं तो पूरा साल में 12 महीना होता है, हम लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, n+1/2। n का मतलब 12 हो गया पूरा साल का, और प्लस 1 करेंगे तो 13/2, यानी 6.5 आएगा, और 6.5 मंथ्स का ही एवरेज ड्रॉइंग्स निकलेगा। इसको हम दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला भी हमारा एवरेज बेसिस पर फॉर्मूला है, ये जिससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना मंथ का हम लोग ड्रॉइंग्स फाइंड करेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 2। यानी अगर कोई पार्टनर यूनिफॉर्मली हर महीना के शुरुआत में एक समान सेम अमाउंट ड्रॉइंग करता है, हर महीने की 1 तारीख को अगर सेम अमाउंट ड्रॉइंग करता है, तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं। दिस इज द फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सॉरी टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5/12। 6.5 कहां से आया हम दिखा चुके हैं, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है n+1/2/12, तो यहां करेंगे ही करेंगे, तो n मतलब 12 और 1+1/2 तो 6.5 आएगा। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो भी 6.5 आएगा, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स। अगर कोई 1 जनवरी को, अगर हम लोग साल जनवरी से दिसंबर का लेते हैं काउंटिंग ईयर, तो अगर कोई 1 जनवरी को ड्रॉइंग करता है तो उसके बाद हमारा 12 महीना बचता है, 12 मंथ्स आर लेफ्ट, एंड लास्ट ड्रॉइंग्स जो होगा वो 1 दिसंबर को होगा साल के अंत में, तो वहां पर 1 दिसंबर के बाद 1 मंथ लेफ्ट होता है यानी बचता है। तो फर्स्ट ड्रॉइंग्स के बाद 12 महीना बच रहा है और लास्ट ड्रॉइंग्स के बाद 1 महीना बच रहा है, यानी 12+1 = 13/2, 6.5 आएगा। तो इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द 6.5। आफ्टर दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट वट एवर द क्वेश्चंस गिवन, ड्रॉइंग्स टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। वी टेक 6.5 इन द केस ओनली इफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर होल ईयर फॉर 12 मंथ्स, देन यू हैव टू टेक 6.5, अदरवाइज इट मे बी चेंज्ड। इफ अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर 7 मंथ्स ही ड्रॉइंग्स होता है तो एन हम लोग यहां पर 7 लेंगे, तो 7+1 = 8/2 होगा, तो वहां 4 मंथ का ड्रॉइंग्स निकालेंगे। इसी तरह अगर 10 मंथ्स का ड्रॉइंग्स करता है, 10 मंथ्स तक ड्रॉइंग्स होता है, तो फिर वहां पर हम लोग एन 10 लेंगे, प्लस 1 11 होगा, बाय 2 करेंगे तो 5.5 आएगा। यानी डिपेंड करता है कि अगर पूरा साल ड्रॉइंग्स होगा तब तो n प्लस 1 यानी n के जगह पर 12 बैठाएंगे, 12, और अगर 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ ही ड्रॉइंग होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग n के जगह पर उतना ही मंथ लेंगे और प्लस 1 करेंगे इन द बिगनिंग के केस में, तो अपने आप जो टोटल को डिवाइड करने से मंथ आएगा उतना मंथ का ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा जब मिडिल में होगा, यानी दूसरा केस हम लोग लेते हैं, सेकेंड केस इज इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अगर ड्रॉइंग्स इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता है, हर महीने के मिडिल में यानी 15th को अगर ड्रॉइंग्स होता है
तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12, क्योंकि 6 यहां कहां से आएगा, तो फिर यहां पर हम लोग n बाय 2 करेंगे, यानी 12/2 पूरा साल का लेकर अगर हम लोग चलते हैं तो 6 मंथ आएगा। हर क्वेश्चंस को इस आधार पर यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज एज्यूम्ड द ड्रॉइंग्स फॉर द होल ईयर, यानी पूरा साल तक ड्रॉइंग्स हो रहा है तभी हम लोग एन का 12 ले रहे हैं। जिस क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन होगा कि 8 मंथ या 9 मंथ या 6 मंथ कोई भी, यानी 12 से कम मंथ तक ड्रॉइंग्स हो रहा है, तो वहां पर एन हम लोग एज पर क्वेश्चन लेंगे। अगर 7 मंथ्स होगा तो 7 ही लेंगे। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्रॉइंग्स, अगर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता है, अगर हर महीने के 15 तारीख को ड्रॉइंग्स होता है, ठीक उसी तरह से अगर हम लोग जनवरी से दिसंबर तक का ईयर एंडिंग लेते हैं, पूरा एक साल अकाउंटिंग ईयर, तो अगर कोई जनवरी 15 को ड्रॉइंग कर रहा है तो फरवरी 15 को करता है, फिर मार्च 15 को करता है। अगर इस कंडीशंस में इस तरह से अगर ड्रॉइंग्स करता है तो हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6। फॉर्मूला में सिर्फ ये चेंज होगा 6/12। अब 6 कहां से आएगा, तो यहां पर मिडिल के केस में फॉर्मूला एन बाय 2 होता है, जैसे बिगिनिंग में एन प्लस 1/2 होता है, मिडिल में एन बाय 2 होगा, तो एन यानी 12/2 यानी 6 मंथ का ड्रॉइंग्स निकलेगा। लेकिन अगर यहां पर फिर वैसे ही अगर 8 मंथ्स तक ही ड्रॉइंग्स होता है मिडिल में, तो वहां पर एन बाय 2 यानी यहां एन के जगह पर हम लोग 8 लेंगे। अगर 10 मंथ्स ड्रॉइंग्स होता है क्वेश्चन में अगर गिवन है, तो 10/2 लेंगे। तो इस तरह से जितना मंथ आएगा उतना ही मंथ का हम लोग ड्रॉइंग्स फाइंड करेंगे। और अगर इस कंडीशन में समझा जाए तो भी हमारा 6 ही मंथ आएगा। कैसे, अगर मिडिल में है, फर्स्ट मंथ जनवरी में अगर 15th को ड्रॉइंग्स करता है, तो हमारा फॉर्मूला कहता है यहां पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय 2। तो फिर क्या होगा, 15th अगर जनवरी को ड्रॉइंग्स करता है तो उसके बाद जो टाइम लेफ्ट बचता है पूरा साल, यानी 15 को अगर हम ड्रॉइंग करते हैं तो 15 डेज तो पास कर गया, तो 11.5 मंथ बचता है, यानी 11.5 मंथ्स, और प्लस लास्ट में अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं लास्ट महीने में, तो 15 दिसंबर को करते हैं, तो उसके बाद हमारा लास्ट ड्राइंग्स के बाद 15 डेज बचता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमारा ड्राइंग्स के बाद 11.5 मंथ्स बचता है और लास्ट ड्राइंग्स के बाद 0.5 मंथ्स बचता है, यानी हाफ मंथ बचता है। तो 11.5 एंड हाफ 12 आ जाता है, और 12 को फिर डिवाइड 2 करते हैं तो 6 मंथ्स आता है। यानी इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि 6 मंथ कैसे लेंगे। और बाकी ये फॉर्मूला बहुत आसान है, n बाय 2 करेंगे तो अगर 12 मंथ्स रहेगा तो 12/2 यानी 6 आ जाएगा, अगर 7 मंथ्स रहेगा तो 7/2 तो अपने आप 3.5 आ जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। और इस तरह से हम इस केस में कि अगर ड्रॉइंग्स इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ होता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद सेम अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर थर्ड कंडीशन होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो थोड़ा सा चेंज होगा यहां पर एंड के केस में 5.5 लेंगे। अब ये 5.5 कहां से आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एन वाला फॉर्मूला अगर हम लोग लेते हैं, 5.5 कहां से आया, तो यहां पर एन माइनस 1/2 यानी एन का मतलब 12 पूरा साल हम लोग लेकर चल रहे हैं, माइनस 1/2 तो 11.5 यानी 5.5 आएगा। तो इस तरह से हम लोग जब when it is given in the question, partner draws the amount at the end of every month, whole year, throughout the year, then you have to take the formula, interest on drawings is equal to total drawings into rate by 100 into 5.5/12. 5.5, how it is written 5.5 due to that formula, this formula, n minus 1, it is the formula for the
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. इफ द ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इट इज द फॉर्मूला एन माइनस वन बाई टू. दैट मीन्स 12, एन इज द 12 माइनस वन बाई टू, इट इज 5.5. यू हैव टू टेक 5.5 बाई 12. देन यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. यू हैव टू टेक दिस फॉर्मूला एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस ऑल्सो हाउ इट इज 5.5 कम. इट इज अ फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय टू. बाय दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड 5.5. हाउ इट इज रिटन 5.5. सपोज अ पार्टनर withdraws amount at the end of first month, means on 31st January, and after first month drawing, it is the total month left 11 month, and last drawings will be on 31st December. So time left after last drawings 0. यानी अगर हर महीने के एंड में ड्राइंग्स होता है, जैसे 31 जनवरी को होता है, 29 फरवरी को होता है, 31 मार्च को होता है, 30 अप्रैल को होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, पहला बार ड्राइंग कब होगा, 31 जनवरी को. 31 जनवरी के बाद कितना टाइम बचता है, तो 31 जनवरी यानी जनवरी पूरा खत्म हो चुका है, 11 मंथ बचता है. और लास्ट ड्राइंग्स कब होगा, चूंकि हर महीने के एंड में निकाल रहे, तो दिसंबर के एंड में निकलेगा ड्राइंग्स होगा. तो दिसंबर एंड में अगर हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, उसके बाद कोई टाइम नहीं बच रहा है, यानी जीरो बच रहा है. तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 11 मंथ बच रहा है और लास्ट ड्राइंग्स के बाद जीरो बच रहा है. तो 11 प्लस जीरो करते हैं तो 11 आता है, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 5.5 आता है. तो इस तरह से इस फॉर्मूला से भी हम लोग 5.5 ला सकते हैं, और 5.5 मंथ का निकालना है, इसलिए 5.5 बाय 12 करेंगे. लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला को अपनाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा. एन माइनस वन बाय टू, एन का मतलब पूरा साल 12 महीना, 12 माइनस वन यानी 11, 11 बाई टू यानी 5.5. यू कैन टेक 5.5. तो हम लोग ये तीनों बात समझ में आ गया कि अगर मंथली ड्राइंग्स होगा तो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो सकता है, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो सकता है. इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6.5 मंथ्स का लाएंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि 6 यानी 6.5 कहां से आएगा, n प्लस 1 बाय 2 यानी 12 प्लस 1 13 बाय 2 साढ़े 6. इसी तरह अगर मिडिल में होगा तो फार्मूला n बाय 2 होगा, यानी 12 बाय 2 6 मंथ्स का. अगर इसी तरह हम लोग फिर देखें तो एंड में अगर ड्राइंग्स होता है तो फार्मूला लगाएंगे n माइनस 1 बाय 2, यानी n मतलब 12 हो गया माइनस 1 11 बाय 2 यानी साढ़े 5, 5.5 मंथ्स. तो इस तरह से हम लोग तीनों केस में मंथली ड्राइंग्स होगा इन द बिगनिंग या फिर मिडिल या एंड, तो तीनों कंडीशंस में तीन फार्मूला हमारे पास आ गया, और इस तीनों फार्मूला से हम लोग आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम लोग क्वार्टरली का बात करते हैं. ये हमारा मंथली ड्राइंग्स था, अब हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स का बात करते हैं. तो फर्स्ट केस होगा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. देन द फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स अगेन इनटू रेट बाय 100 into 7.5 by 12. How it is written 7.5? कैसे आया?
तो 7.5 कैसे आया? अगर क्वार्टरली होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस थ्री बाय टू। एन मीन्स 12 महीना पूरा साल का, प्लस 3 15 बाय 2 7.5। इस तरह से 7.5 मंथ्स का ड्राइंग्स होगा। अब इससे अगर हम लोग समझे तो सेम आएगा, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर अगर ड्राइंग्स होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कौन सा लेंगे? अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स होता है तो 10,000 हर क्वार्टर में होगा, यानी पूरे साल में 4 क्वार्टर होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 अगर ड्राइंग्स हो रहा है पर क्वार्टर, तो 10,000 इंटू 4 यानी टोटल ड्राइंग्स 40,000 होगा। रेट जो भी गिवन होगा, रेट बाय 100 इंटू 7.5 बाय 12 करना है। और ये यहां पर एजम्पशन है, ये मानकर चल रहे हैं कि ड्राइंग्स पूरा साल यानी 4 का 4 पूरा 4 क्वार्टर ड्राइंग्स होगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कभी 3 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के ड्राइंग्स होता है तो ऐसे कंडीशंस में एन यहां चेंज हो जाएगा, एन यहां 12 नहीं लिखेंगे। अगर 1 क्वार्टर ही ड्राइंग करता है तो 3 मंथ लिखेंगे प्लस 3, और अगर 2 क्वार्टर होगा तो 6 मंथ्स लिखेंगे प्लस 3, और अगर 3 क्वार्टर होगा तो 9 मंथ होगा प्लस 3 होगा, और अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड करेंगे, देन जितना आएगा उतना मंथ का ही ड्राइंग्स फाइंड होगा। लेकिन अगर पूरा साल है तो एन का मतलब हम लोग 12 ही लेते हैं, तो 12 प्लस 3, इट इज द फॉर्मूला एन प्लस 3 बाय 2 फॉर क्वार्टरली ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एन प्लस 3 बाय 2। नाउ यू कैन फाइंड ऑल्सो बाय दिस फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अगर हम इस तरह से समझे कि अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स होगा और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग कैसे सेट करेंगे, कैसे आएगा, कैसे एवरेज फाइंड करेंगे। तो पहला बार अगर क्वार्टरली का बात करते हैं तो हर 3-3 महीने पर ड्राइंग होगा। तो अगर पहला बार जनवरी 1 को ड्राइंग होता है तो उसके बाद जो टाइम लेफ्ट होता है वो 12 होता है, 12 महीना होता है। और इसके बाद जब हम लोग लास्ट ड्राइंग्स का बात करेंगे तो हर 3 महीने पर अगर फाइंड कर ड्राइंग्स करता है तो जनवरी को होगा। इसके बाद 3 महीने के बाद फिर जनवरी फरवरी मार्च छोड़ देते हैं, अप्रैल 1 को होगा। अप्रैल 1 में निकालने के बाद अप्रैल में जून छोड़ देते हैं, फिर जुलाई 1 को ड्राइंग होगा, फिर जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर छोड़ देते हैं तो अक्टूबर 1 को ड्राइंग्स होगा। तो लास्ट ड्राइंग्स अक्टूबर 1 को होगा और फर्स्ट ड्राइंग्स जनवरी 1 को होगा। तो जनवरी 1 के बाद टोटल टाइम लेफ्ट 12 मंथ्स होता है और लास्ट ड्राइंग्स अक्टूबर 1 को होगा। तो फिर उसके बाद जो टाइम लेफ्ट होगा हमारे पास लास्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ये 3 मंथ होगा। तो इसलिए हम लोग 12 प्लस 3 15 बाय 2 यानी 7.5 फाइंड करते हैं। तो इस तरह से 7.5 मंथ्स का ही ड्राइंग्स फाइंड होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इन द बिगिनिंग के बाद इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर करेंगे, फिर हम लोग एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फाइंड करेंगे। तो तीनों कंडीशंस में सेम जैसे हम लोग मंथली में फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। मंथली में हम लोग एन प्लस 1 बिगनिंग में लगाते हैं, मिडिल में एन बाय 2 लगाते हैं, यानी बिगनिंग में हम लोग एन प्लस 1 बाय 2, मिडिल में एन बाय 2, और एंड ऑफ मंथ में अगर ड्राइंग्स होता है तो एन माइनस 1 बाय 2 लगाते हैं। लेकिन अगर क्वार्टरली होगा तो बिगनिंग के लिए एन प्लस 3 बाय 2 होगा, मिडिल के लिए सेम एन बाय 2 ही होगा, और अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स होगा तो एन माइनस 3 बाय 2 होगा। तो हम लोग दो और फॉर्मूला देख लेते हैं। इन द बिगनिंग हो गया, इसके बाद हम लोग क्वार्टरली में इन द मिडिल में फॉर्मूला क्या होगा। Thank you.
सेकेंड केस ऑफ क्वार्टरली ड्रॉइंग्स इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर देन द फॉर्मूला विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स अगेन इंटू रेट बाय 100 इंटू एन बाय 2 और राइट सिंपली 6/12। मिडिल के केस में मंथली हो क्वार्टरली हो एन बाय 2 ही लिखना है। अब एन बाय 2 कैसे आया, तो सिंपल एन बाय 2 12 इट इज 12/2 नाउ 6। यू कैन फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ द ड्रॉइंग्स क्वार्टरली एंड इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, देन यू कैन फाइंड द फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय दिस फॉर्मूला। एंड बाय द सेम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द 6 months विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला इफ इट इज मिडिल। मीन्स वट, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑन 15th February अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर एंड लास्ट ड्रॉइंग्स इन द लास्ट क्वार्टर इन द मिडिल, सो इट इज October 1st, October, November, December मीन्स ऑन 15th November। अगर हम तीन महीने का एक क्वार्टर का बात करते हैं तो पहला 3 महीना होगा जनवरी फरवरी मार्च, तो उसके बीच में 15 February आएगा। अगर हम लोग लास्ट का 3 महीना का बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आता है, तो इस तीनों महीने के अगर हम बीच में बात करते हैं तो नवंबर 15 को ड्राइंग्स होगा। तो दोनों कंडीशंस में अगर हम लोग देखें तो चाहे तो हम लोग एन बाय टू कर सकते हैं, या फिर अगर इससे अगर फार्मूला देखेंगे तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग्स हमारा 15 February को होगा, तो वहां से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो कितना आएगा, 15 February से अगर हम लोग देखें तो फरवरी का हम लोग 15 यानी हाफ मंथ लेंगे, इसके बाद फरवरी हमारा खत्म हो गया, फिर 10 महीना और लेंगे, तो यहाँ पर 10.5 महीना हमारा टोटल आता है। यानी 15 February को अगर हम लोग ड्राइंग्स करते हैं फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में, तो वहां से हम लोग काउंट करेंगे लास्ट December 31st तक कितना महीना बच रहा है, तो 1.5 महीना खत्म हो चुका था 12 महीने में, तो 10.5 महीना बचता है। और लास्ट जो ड्राइंग्स होगा लास्ट का 3 महीने के बीच में होगा, तो उसके बाद हमारा 1.5 महीना और बचेगा, 1.5 months और बचेगा, तो लास्ट का 1.5 months और जब फर्स्ट ड्राइंग्स होगा उसके बाद 10.5 months, तो 10.5 months एंड 1.5 months, सो टोटल 12/2 दैट इज द 6 months। इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 6 months। तो मिडिल में हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे, इसके बाद अगर हम लोग एट द एंड का बात करते हैं, थर्ड वाला बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो थोड़ा सा फॉर्मूला यहां चेंज हो जाएगा, 6 के जगह पर हो जाएगा 4.5। अब ये 4.5 कहां से आया, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अगर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो एन माइनस 3/2 मीन्स 12-3/2 9/2 सो 4.5। तो यू हैव टू टेक 4.5 इफ द ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो, इफ ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यू नो द होल ईयर डिवाइडेड इंटू 4 quarters ऑफ 3 months each। हर एक साल में अगर हम लोग देखें तो एक साल को अगर 4 टुकड़ा कर देते हैं तो 3-3 महीने का एक टुकड़ा आएगा और वही एक क्वार्टर होगा, तो एक क्वार्टर 3 महीने का होगा, तो अगर एंड में निकालेगा तो 3 महीना बीतने के बाद, यानी फर्स्ट क्वार्टर में अगर निकालता है तो एंड में निकालता है, तो पहला 3 महीना बीतेगा तो लास्ट में निकालेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी मार्च के लास्ट में 31st को निकालेंगे, पहला हमारा ड्रॉइंग होगा क्वार्टरली अगर करते हैं और एंड ऑफ क्वार्टर करते हैं तो पहला बार हमारा मार्च 31st को होगा। इसी तरह हर 3 महीना के लास्ट में निकालेंगे
तो लास्ट का जो क्वार्टर होगा वो लास्ट का 31 दिसंबर को निकलेगा। तो अगर हम इस फॉर्मूला से देखें तो क्या होगा, वहां पर लास्ट जो फर्स्ट ड्रॉइंग्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, तो हमारे पास फर्स्ट ड्रॉइंग्स होगा 31 मार्च को, उसके बाद जो टाइम बचता है वो 9 मंथ बचता है, और लास्ट ड्रॉइंग्स जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा, तो 31 दिसंबर से हमारे पास 0 बचता है, यानी 9 मंथ प्लस 0, तो टोटल 9 डिवाइड बाय 2, यानी फिर से हमारा 4.5 आ जाएगा। तो वैसे हमारा ये सबसे आसान फॉर्मूला होता है, n माइनस 3/2 करते तो 12 माइनस 3/2 यानी 4.5 अपने आप आ जाएगा, और ये n हमारा होल ईयर अगर है तो 12 लेना है, अगर मंथली वाइज हम लोग देखें 7 महीने तक ड्राइंग हुआ तो 7 लेना है, 8 महीने तक हुआ तो 8 लेना है, अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो क्वार्टरली में अगर एक क्वार्टर होगा तो एन के जगह पर 3 लेना है, 2 क्वार्टर होगा तो 6 लेना है, अगर 3 क्वार्टर होगा तो 9 मंथ लेना है, और पूरा साल ऑल क्वार्टर्स अगर ड्राइंग्स होता है तो फिर वहां पर 12 लेना है, यानी पूरा साल का 12 लेना है। तो इस तरह से हम लोग क्वार्टरली का भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस समझ रहे, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग्स दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, बट ये पता नहीं है ड्राइंग्स कब हुआ, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स। तो यहां पर भी 2 केस होता है, फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6 बाय 12, यानी अगर सीधा लिखा हुआ है कि अ पार्टनर ड्रॉज ₹50,000 और 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, यानी यहां पर कोई डेट नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे फाइंड करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6 बाय 12, ये एवरेज बेसिस पर 6 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन रेट विथ पर एनम होना चाहिए, यानी जो रेट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए, सपोज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम, इफ इट इज गिवन द पर एनम देन यू हैव टू टेक 6 मंथ्स एज एवरेज बेसिस। एंड द सेकेंड केस, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है बट रेट भी अगर देखते हैं तो रेट में विदाउट पर एनम है, सीधा लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय 10% बाय 12% बाय 15%, मतलब वहां पर एनम नहीं है, विदाउट पर एनम क्वेश्चन है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको 6 मंथ नहीं लेना है, यानी हियर इन दिस केस इफ द रेट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विदाउट पर एनम देन यू हैव टू टेक द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स इन टू रेट बाय 100। सिंपल, इफ गिवेन इन द रेट पर एनम देन यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस। और तीसरा कंडीशन जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज द थर्ड कंडीशन, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड इंटरवल्स आर नॉट यूनिफॉर्म, यानी जैसा पहले भी हम शुरू में बताएं कि अगर ड्राइंग्स का अमाउंट फिक्स नहीं होगा, हर बार ड्राइंग्स होगा पार्टनर्स के थ्रू और अलग अमाउंट हो सकता है, इसके बाद जो इंटरवल्स होगा उसमें भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और डेट ऑफ जो इंटरवल्स होगा, डेट का डेट के बीच जो ड्राइंग्स के दो ड्राइंग्स के बीच का गैप होगा, ये दोनों अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो वहां पर हम लोग दो मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग अगला क्लास में देखते हैं। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ 2 बात सीख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2 कंडीशंस सीख चुके हैं, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं होगा तो कैसे करेंगे, और अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और द इंटरवल्स ऑफ ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म देन हाउ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे का पोर्शन समझते हैं।